पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर भक्तों की भीड़ से उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में जय श्री राम के उद्घोष से गूंजने लगा। राम भक्त प्रसाद चढ़ाने और भगवान राम और महावीर के दर्शन के लिए मंगलवार की रात 10 बजे से ही श्रद्धालुओं की लाइन लगने लगी थी। इनमें सबसे अधिक युवक और महिलाओं को देखा गया। महावीर मंदिर प्रबंधन की ओर से जिनके हाथ में प्रसाद है उनको मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार से मंदिर परिसर में प्रवेश करवा रहे हैं। प्रसाद और माला के बगैर आने वाले भक्त मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार से उन्हें प्रवेश दिया गया। इससे पहले आज सुबह 2 बजे से ही गर्भगृह में विराजमान हनुमान जी और राम दरबार की जागरण आरती शुरू हो गई थी। महावीर मंदिर तक पहुंचने के लिए वीर कुंवर सिंह पार्क में प्रवेश की व्यवस्था की गई है। भक्तों को परेशानी न हो इसके लिए पंडाल, पंखे और लाइट की व्यवस्था की गई है। महावीर मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हनुमान जी के दोनों विग्रहों और राम दरबार के लाइव दर्शन के लिए वीर कुंवर सिंह पार्क से लेकर मंदिर तक भक्त मार्ग और महावीर मंदिर परिसर तक कुल 16 बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी लाइव प्रसारण किया जा रहा है। भक्तों को वीर कुंवर सिंह पार्क तक ले जाने के लिए महावीर मंदिर के सामने रेल इंजन के समीप और डाक बंगला चौक से निःशुल्क बस फेरी सेवा का प्रबंध महावीर मंदिर की ओर से किया गया है। मंदिर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ड्रोन द्वारा महावीर मंदिर पर पुष्प वर्षा भी हो रही है।